और एक बार कह दो आप नाया नाया और नहीं पापा। अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका लाइव दामना में। तो आ गए हम न्यू वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आने वाली है 14 अगस्त। क्या आने लगा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उसके लिए हमने करनी है भरपूर शॉपिंग। तो आयत रेडी है, क्योंकि आयत की ना होश में ना, मतलब पिछले साल आयत अभी इतनी समझदार नहीं थी, अब आयत हो गई है थोड़ी समझदार। तो आयत आज करेगी खूब शॉपिंग 14 अगस्त के लिए। और अब्दुल्ला की ये फर्स्ट 14 अगस्त है, और जश्न आजादी मुबारक आप सबको। तो बस चलते हैं, आप शॉपिंग करते हैं अब्दुल्ला और आयत के लिए। तो इस बार हम 14 अगस्त पे क्या पहनेंगे फर्स्ट टाइम, मतलब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ 14 अगस्त का अपने दोनों बच्चों के साथ, उमेर के साथ। तो बहुत मजा आने वाला है, जरूर देखना है, मिस नहीं करना, हम बहुत एंजॉय करेंगे। और हमारे साथ नूर भी होगी, लेकिन नूर कैमरे के सामने नहीं आती, लेकिन नूर भी एंजॉय करेगी, बहुत मजा आएगा। क्यों नूर? हाँ जी, बहुत मजा आएगा, हम बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगे हैं। तो चले जी, अब हम निकलने लगे हैं शॉपिंग के लिए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे इंस्टा को लाजमी फॉलो कीजिएगा, ऊपर आपको आईडी नजर आ रहा होगा। और आयत कह रही है मम्मा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कैसे सब्सक्राइब कर लो? तो बस चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, मैंने और आयत ने ना, मम्मा और डॉटर ने मैचिंग ड्रेसिंग की हुई है। आयत की भी सेम है और मम्मा की भी। तो सबसे पहले मैं आयत का ड्रेस दिखाती हूँ। आयत ने अभी जूते नहीं पहने हुए, लेकिन ड्रेस पहन लिया है। तो चले भाई आयत सामने खड़ी हो जाए। ये देखे जी, ये आयत का जबरदस्त सा फ्रॉक है। और आयत रेडी किसके लिए हुई है? शॉपिंग जिंदाबाद कर के लिए तैयार हुए हैं। तो चले हम भी उठते हैं। चले मैं भी आपको अपनी ड्रेसिंग दिखा देती हूँ कि आज मैंने 14 अगस्त की शॉपिंग के लिए, चांद रात समझे, 14 अगस्त की चांद रात के लिए आज मैंने ये वाली ड्रेसिंग की है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फुल लुक। तो ये जी मेरी फुल लुक है, जो मैंने स्पेशल ये ड्रेस ना आज के दिन के लिए डिसाइड किया था और स्टिच करवाया था। और सेम मेरा ना मतलब ड्रेस था, मैंने सोचा था मेरी बेबी का भी ना वैसा ही लगे। तो हम दोनों ने, मम्मा और डॉटर ने दोनों मैचिंग की है। तो आप लोग बताइएगा कि हम दोनों कैसी लग रही है। और अब्दुल्ला शहजादा जाना, वो सोया हुआ है, तो बस पापा और बस रेडी हो रहे हैं। तो फिर निकलते हैं हम शॉपिंग के लिए, और मिस नहीं करना, देखना आपने रोनके क्या रोनके हैं। बैलेटॉन में शॉपिंग हो रही है, बड़ी जबरदस्त सी दुकानों में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो चले चलते हैं। चलें जी चलते हैं इस रूम में और देखते हैं उमेर जो है रेडी हुए हैं कि नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम। तो बाबू जो है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। बाबू अच्छा लग रहा है ना आपको? आज मम्मा और बाबू ने सेम ड्रेसिंग पहनी हुई है, ड्रेसिंग की हुई है। तो आपने ये लीची क्यों लाई है? चिपची लाई है मेरे बच्चे। कहती मम्मा आपने लगाई तो मैं भी लगाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो चले फिर निकले हुए। चलो आज पहले शॉपिंग करनी है। आज हमारी 14 अगस्त की चांद रात है। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। थोड़ी शर्म आ गई है। तो चले चल रहे बाहर, फिर निकले। करने वाला बेबी है ही नहीं। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद। चले जी लिफ्ट हमने बुला ली है, बस खुलने लगी है हमारी लिफ्ट। जी जी हमेशा की तरह खुल जा सिम सिम, और हम हुए अंदर एंटर। और आज भी आज साले आज आए, मेरे अपने बच्चे पकड़ के साथ आती है, अपने बेबीज के साथ। चले नीचे का बटन दबाते हैं। तो यहाँ देखें जी, रोनके लाइटें लगी हुई है हर जगह। और आयत कह रही है मम्मा वो देखो पाकिस्तान जिंदाबाद है ना। आयत क्या कहता है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पापा आप भी ऐसे होते थे बचपन में? हाँ हम तो, हमारी 14 अगस्त डिफरेंट होती थी ना, हम लोग तो खुद झंडियां लगा के सजाया करते थे। हाँ लेकिन आजकल के बच्चे तो छोटे हैं, बच्चों को पता ही नहीं सब कुछ जो है ना, डिजिटल जमाना है। डिजिटल जमाना, वो देखो कितनी प्यारा उन्होंने सजाया हुआ है। हम लोग तो पता है कि 14 अगस्त जब फर्स्ट अगस्त आती थी ना, जाके उर्दू बाजार जाना हम लोगों ने, क्योंकि पास होता था हमारे घर के, तो हमने जाके झंडियां लेके आनी। और अदनान भाई लगाते होते थे झंडियां, धागा हमने बांध लेना, एक कुर्सी उधर एक कुर्सी इधर, और मैं आटा लगा के दे जाता था, आटे की लेवी बनाते थे हम। वो छोटे हो गए। हाँ मैं छोटा सा होता था ना, तो ये बड़े तो सारे हम लोग छतरी बनाते होते थे घर में अपने। मेरी भी मुझे लग रहा है पहली 14 अगस्त लग रही है मेहर के साथ, क्योंकि हर साल मैं बीमार होती थी। हाँ तो बच्चे होने वाले होते थे, लेकिन इस साल यंग हूँ, मैं यंग फील कर रही हूँ। तुम्हारे चैनल पे फर्स्ट ही फर्स्ट है? हाँ मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम। चलो चलते हैं अंदर, चलो चलते हैं देखते हैं मेरे काका क्या, देखते हैं इस बार कौन सी कलेक्शन आई हुई है 14 अगस्त पे, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए, देखते हैं। चलें जी एंटर हो चुके हैं हम।
आज फर्स्ट टाइम ऐसे यहाँ पे दर्शनी है। चलो जी आ जाओ, ये लगे लेकिन ये बड़े हैं आयत के लिए। हाँ ये बड़े हैं, अंदर हैं शायद वैरायटी, ये सामने लगे हुए हैं। लेकिन आयत को ना मैं वो सोचती हूँ सिंपल से, ये आ जाए ना। नहीं पापा, नहीं पापा। कौन सा लेना है मेरे काके ने? ये दुपट्टा है ना, वो दुपट्टा है ना, वो भी लेंगे। और क्या लेना है? हा? क्या ये कौन सा लेना है? कौन सा दे पहले मुझे बताएं, चल जल्दी बता दे मेरा बच्चा मुझे क्या चाहिए। देना खुद ही सोचती है, खुद ही बताता है। मेरा काका भला हो गया माशाल्लाह, छोटा सा था। यहाँ पे हम आए हो तो इसको ये फ्रॉक नजर आ गए हैं। ये तो लेंगे बेबी, ये बर्थडे पे लेंगे ना। आप इधर आ जाए, इधर आए। ये कैसा स्टफ दिखाएं? सही है काका, सारे सही है। झंडा किधर है वो समझ रही, झंडा भी साथ है। वो कह रही है कि झंडा कहाँ पे है? झंडा कहाँ पे है? अब्दुल्ला के लिए मैंने ये देखा, अच्छा लग रहा है ये। और जो आयत है ना, आयत यहाँ पे जूती पहन के ना मुझे कहती पापा ये देखो सही है। हाँ, आयत यहाँ पे अपनी चप्पल के लिए ना मतलब सोच रही कि मैं कौन सी लूँ, उसको पसंद आ गई। और यहाँ पे बैग भी इसको पसंद आ गया, लेकिन ना ये फटा, ये अच्छा नहीं, इसके पास इससे भी अच्छा है। नहीं वो जी की फटा हुआ है ना, इसलिए तो मुझे कहती है पापा मैंने मिकी माउस लेना है। अच्छा मिकी माउस उसको पता था, मिकी माउस कौन सा? कौन सा? मम्मा भी कुछ ले ले, पता हुआ है ना। मम्मा भी ले ले, आए तो मम्मा भी कुछ ले ले, मम्मा पापा अपने लिए आए। नहीं कहती नहीं, मम्मा पापा नहीं ले सकते। यहाँ पे हमने आयत के लिए और अब्दुल्ला के लिए शॉपिंग कर ली है। आयत अब्दुल्ला बेबी के लिए, अब्दुल्ला बेबी का फर्स्ट है। हेलो कहते मेरे बच्चा। चलें जी, शॉपिंग हमारी हो चुकी है। शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने लेनी है, मैंने दुपट्टा लेना है और साथ में चूड़ियाँ लेनी है। तो चूड़ियाँ लेते हैं, यहाँ से लेनी है। मैं यहाँ देखें जी, चूड़ियों की वैरायटी लगी हुई है। यहाँ देखें जी, चूड़ियों की वैरायटी। हाँ ये लेके देते हैं अपने बच्चे को। हाँ बड़ा कुछ लेके देना, क्या भी लेके देना अब्दुल्ला को, लेके देना आयत को। ये ठीक है। और चलो जी ये देखो जी, मेरा काका जो है ना चूड़ियाँ पहनने लगा। इससे थोड़ी छोटी हो जाए, बड़ी है। आपको पता ही है कि ईद पे भी शॉपिंग मैं यहीं पे करता हूँ, यहीं से करता हूँ आयत के लिए, मेरे बाबू के लिए। ओए तो यहाँ पे हेडबैंड भी लगे हुए हैं। तो आयत कौन सा हेडबैंड लेना है? आयत ने सब कुछ ही लेना है मेरे ख्याल से। यहाँ पे आयत की शॉपिंग और साथ में नूर आफ्ती की शॉपिंग और अब्दुल्ला की शॉपिंग हो चुकी है कम्प्लीट। अब पापा कर रहे हैं अपने लिए शॉपिंग। ये देखें जी पापा यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। आयत कह रही है ये नहीं लेनी पापा, वो कह रही पापा आपने ये नहीं लेनी। नो कौन सी लेनी है? डिफरेंट पहने ना, हर वक्त आप वाइट पहनते हो, बात सुने वो, आप हर वक्त वाइट पहनते हैं, आप डिफरेंट ले लें। हाँ हर वक्त आप वाइट पहनते हैं, क्योंकि अमेरिका ना पिछले 3 सालों से जब से हमारी शादी हुई है एक ही उनका स्टाइल होता था वाइट में। तो यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पापा की और अब्दुल्ला की मैचिंग हुई है। फर्स्ट सेकंड टाइम हुआ ईद पे भी हुआ था, मामा और आयत की मैचिंग हुई। मेरी इतनी मैचिंग नहीं है, एक और जो पीछे से सूट लिया ना अब्दुल्ला के लिए, कोई बात नहीं वो भी रख लेते, वही रख लेते, वो भी रख लो कुछ। चलो ठीक, चले जी आप चलते हैं। शॉपिंग हमारी हो चुकी है, हो गई है, मजा आ गया। लेकिन अभी इतनी रौनक नहीं है, कल बहुत रौनक होगी। चले जी शॉपिंग हमारी सारी हो चुकी है, कम्प्लीट जश्न आजादी की शॉपिंग हो चुकी है। पाकिस्तान। अच्छा जब ये कैमरा बंद होता है ना तब इसका जो आवाज होती है ना बहुत ज्यादा तेज होती है, जिंदा आवाज कहती है। जब कैमरा ऑन होता है तो आवाज शर्मा जाती है। शॉपिंग हो गई है, मेरे काके ने फर्स्ट टाइम खुद शॉपिंग की है। अब ईद पे बड़ा मजा आना है, ईद पे भी खुद शॉपिंग कर लेगा। अब बड़ा हो रहा है, बर्थडे पे भी इसने अपनी खुद शॉपिंग करनी है। तो आप सबको किस किस को वेट है कि आयत की बर्थडे आने वाली है, बस थोड़े से मंथ रह गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो चले अब आपको मिलेंगे सुबह, और सुबह आपको दिखाएंगे कि आयत ने, अब्दुल्ला ने, मम्मा ने और पापा ने क्या पहना है। पापा तो बिल्कुल अब्दुल्ला मान जाएंगे कल। तो चले मिलते हैं कल मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट डे जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे आयत जितनी एक्साइटेड है ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि आयत कितनी एक्साइटेड है। तो मिलिए आयत से। अस्सलाम वालेकुम। तो आज क्या है? जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।
जिंदाबाद। तो यहाँ देखें जी, सारे ड्रेस जो है ना मैंने सेट करके रख लिए हैं, तो आपको दिखाती हूँ। ये सबसे पहले आयत का ड्रेस, आयत की बैंगल्स, आयत की पिंस, और ये हमारे अब्दुल्ला का जो फर्स्ट है आज 14 अगस्त, तो उसके लिए अब्दुल्ला की ये शर्ट है पापा के साथ मैचिंग करती हुई, पापा की ये निकर शॉर्ट और साथ में अब्दुल्ला की, और मम्मा का ये ड्रेस वाइट ड्रेस एंड साथ में ग्रीन कलर की बैंगल्स और साथ में ये दुपट्टा। तो हाँ जी बच्चा पार्टी। हाँ आयत रेडी है? हाँ आयत इतनी सेटिंग कर रही है ना अपनी चूड़ियां, अभी चूड़ियां पहनती है फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और जो मेरी फैमिली है ना वो भी सारी रेडी हो चुकी है, तो चले आपको मिलवाते हैं उमर, अब्दुल्ला एंड आयत से। तो ये देखे जी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम जी, बड़ा उमर, छोटा उमर और उच्चे भला उमर। आयत आप अपनी ड्रेस तो दिखाएं, कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे नीचे उतर के दिखाएं। तो आयत माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। आयत अपना हेयर स्टाइल दिखाएं, हेयर स्टाइल दिखाएं अपना बैक। हाँ माशाल्लाह बोल देना, तो सबने कह देना है एक बार, और एक बार कह दो आप जिंदाबाद। तो भला हो गए ना, ये भी लगाए कहा करेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये तो देखें जी, इनकी आज पहली 14 अगस्त है और लिखा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद। देख रहा हूँ, कह रहे पापा क्या सो रहा है पापा। चले निकले फिर, निकले चलो अपने प्लाजे पे लगाते हैं हम झंडा पाकिस्तान का, तो लगाते हैं अब्दुल्ला के साथ आयत के साथ मिलके। चले चलते हैं, आ रहे हैं पापा और आयत। चले जी पापा लगा दें झंडा, लगाते हैं। चले जी लग चुका है ये हमारा पाकिस्तान का झंडा। झंडा पहले लगा हुआ था। हाँ जी, दोबारा मैंने कहा 14 अगस्त को लगाएंगे, लगा देते। मुझे याद आ गया अपने बचपन के दिन, हम मिलके ना झंडा लगाया करते थे। आज ना मतलब 6 साल के बाद मैंने ये झंडा, झंडिया भी लगाया करते। हाँ झंडिया भी लगाया करते थे बचपन में, लेकिन अब आजकल के बच्चों को कुछ नहीं पता, वो बस तैयार होते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद करते रहते हैं। आयत चले जी, अब हम कहाँ जा रहे हैं उमर? अब हम घर जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे माशाल्लाह से हमारे प्लाजे पे ना तकरीबन 3 सालों से ना ये झंडा लगता आ रहा है, यही वाला लगता है। हाँ जी, यही नहीं किया हमने, तो इंशाल्लाह संभाल के रख लेते हैं। हाँ फिर अगले साल लगा लेते हैं, हर साल लगता रहेगा ऐसे ही। ये बहुत बड़ा है, मुझसे भी बड़ा है ये, आपसे बड़ा है, मेरा छोटा लग रहा है। हाँ बहुत बड़ा झंडा है। तो चले बच्चो, चले फिर आए, चले चलो भाई, चले गाड़ी में बैठे, चलो चले चलते हैं। हाँ जी, तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, और कहाँ जा रहे हो मैम? घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर जाके बच्चों बच्चा पार्टी के साथ मिलके ना जश्न आजादी मनाएंगे, ठीक है? हाँ, वो सारे रेडी हुए हैं। हाँ जी, तो चलते हैं। और यहाँ पे तो मुझे बैरिया में तो कुछ नजर नहीं आया, मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि बड़ा मजा आएगा यहाँ पे, बड़ा कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है इतना खास। हूँ मैं इस दफा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इस दफा लोगों ने इतने झंडे भी नहीं लगाए, ऐसी है ना घरों पे प्लाजे के ऊपर। पिछले साल भी मेरे हाथ से कम था उमर, पिछले साल कम था, लेकिन इस साल बहुत कम है, इस साल बहुत कम है। तो बस चलते हैं, आप देखते हैं वहाँ जाके बच्चे बच्चे सारे रेडी हुए हुए हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, ठीक है? चलो ये गाना जो है ना जज्बा जुनून, इंसान जितना मर्जी दुखी कुछ भी हो, इंसान के अंदर जोश आ जाता है, इंसान कहता है यार वाकई यार क्या बात है, ये गाना वाकई जो है ना कोई भी सुने ना उसको जुनून आ जाएगा, जुनून आ जाएगा उसके अंदर कि नहीं यार पाकिस्तान। तो वैसे यही बात है, अपना मुल्क अपना ही होता है, आप जो मर्जी कर ले, अपना मुल्क अपना ही होता है, जो वहाँ पे शपैदी जो मजे होते हैं ना अपने मुल्क के, जहाँ पे इंसान बड़ा हुआ हो अपने ही मजा, हाँ अपने ही मजे हैं वहाँ के, अपने ही शशके होते हैं। तो घर आ चुके हैं, घर आते साथ ही बच्चे देखें जी सारे बाहर आ चुके हुए हैं, अनाव्या नाया और अब्दुल रहमान। हेलो, ये देखें आयत भी, ये देखें जी हमारा जो नाया है ना बहुत प्यारा लग रहा है। नाया ये ड्रेस आपका कौन लेके आया? पापा। बहुत प्यारा लग रहा है। और ये हमारा आयत, और ये हमारी बड़ी बाजी अनाव्या। हाय अनाव्या, अनाव्या जो है ना थोड़ी सी शर्माती है। तो चले वैन बच्चों को कहाँ लेके जाना? अब्दुल को पूछते हैं, अब्दुल कैसा लग रहा है? चीजें चीजें खाने, वो रात को चलेंगे, अभी नहीं, अभी रात को तो चलेंगे।
लो जी मैच खेल के मैं आया हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम भाभी, 14 अगस्त मुबारक। अमित 14 अगस्त मुबारक। ये देखो बच्चा पार्टी, ये बैठी हुई है, और इधर देखें ये जुहेब भाई भी, 14 अगस्त मुबारक। तो ये देखें जी एयान, जश्न आजादी मुबारक। तो ये मिले जी अदनान भाई से, जश्न आजादी मुबारक। ये जो है ना बच्चे किधर है, नानी की तरफ? तो बच्चों को कल लेके आएंगे इंशाल्लाह हम जाके ना। ब्रिटिश है ये, वैसे भी पाकिस्तानी तो है ही नहीं, ये तो ब्रिटिश है। गॉड सेव द क्वीन, क्वीन अब किंग है। हाँ जश्न आजादी, नहीं वही ना, गॉड सेव द किंग है कि क्वीन है? अब किंग आ गया ना। हाँ चार्ल्स है, गॉड सेव द किंग। जश्न आजादी मुबारक। ठीक है यार, अब बता यार किधर जाना है? क्योंकि केक नहीं हम लेके आए, केक इन्होंने पहले ही खा लिया। बता यान की खाने, जल्दी बता। तो यान चलो बच्चों को लेके चलते हैं। आ गए शर्ट पहनी नहीं क्योंकि इनके साइज की मिलती नहीं। अच्छा पैन खत्म कर दी। अच्छा अच्छा इधर भाई जी डिसाइड हो रहा है क्या खाना है यार, जल्दी बता यार। चले फिर पीजे खाने, वही हमने लेकिन जाके लेके आने। चलो पीजे मंगवा लो, मंगवा लो पीजे। तो सारे तैयार हुए हैं, उन्होंने बाहर जाना बाहर। चलो जी आ जाओ चले यार। तो ये देखें जी सारे बच्चे जा रहे हैं हमारे साथ। अब किधर जा रहे हैं? हाँ जी कहाँ जाना है जी बच्चों? चीजियस्ट। चीजियस्ट जाना है। चले पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है बाहर। पहले बाहर आगे अगर तो रश हुआ नहीं ना गए अभी तक। नहीं तो चलो फिर पहले देखते हैं कि बाहर के क्या हालात है, कैसे जश्न आजादी मनाई जा रही है। हाँ तो फिर उसके बाद देखते हैं, नहीं तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे यार। ठीक है रश हुआ तो चलो चले। अब पता चल रहा है कुछ है जश्न आजादी। वो झंडा कितना लोग लेके आगे गाड़ी में, बड़ा बड़ा झंडा है। कोशिश पहुँचे वहाँ तक, कोशिश करता हूँ वहाँ तक पहुँच जाऊँ। आप सबको दिखाएं बड़ा झंडा है वो यार। मेरे ख्याल से ना मुड़ लो वापस ही, रश है बहुत, रश है दोनों सड़कों पे, रश है। वो ट्रक में जा रहा है एक। हाँ वो ट्रक में जा रहे हैं, एक ट्रक में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? माल रोड पे जा रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा रश होगा आगे। ये देखो ना लोग रुक गए हैं, जो फैमिली वाले हैं ना वो देखो इधर को, ये भी ये भी। यहाँ पे हम बच्चों ने और उमैर ने मिलके ना डिसाइड किया है कि रश बहुत ज्यादा, अगर हम बाहर निकले ना तो हम फंस जाएंगे, तकरीबन हमें 1-2 घंटे लग जाएंगे ट्रैफिक में। चले वापस। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि बच्चे लोग कह रहे हैं कि घर में बैठ के हम ऑर्डर करते हैं और खाते हैं, एंजॉय करते हैं और जश्न आजादी मनाते हैं। कैसे? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये भी है थोड़ा सा, और आयल के पीछे से आवाजें आ रही हैं। हैं आयल? पाकिस्तान जिंदाबाद। चले जी ये जो है ना हम ले आए हैं अब्दुल्ला की जश्न आजादी है, तो इसीलिए अब्दुल्ला और आयल दोनों केक आते भी साथ में हैं। चले जी आ जाओ। नया सो गई है। चले जी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वेट हो रहा है पिज्जा आता है। आजादी की असल सेलिब्रेशन। तो ये देखें जी बच्चे करेंगे सारे, ये तो बहुत छोटे हैं, ये बहुत छोटे हो गए, बहुत छोटे हो गए, छोटे हो गए, छोटे हो गए, महंगे महंगे करके मोटे भी कर दिए, साथ छोटे भी कर दिए। हाँ जी तो जश्न आजादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक, और हमने पिज्जा भी खा लिया और साथ में केक भी कट कर लिया। तो आयत को मजा आया? कितना मजा आया? बहुत ज्यादा। और आयत अब इस टाइम बहुत ज्यादा थक चुकी है और वो कह रही है कि मामा बस मेरे ड्रेस चेंज करो और मुझे नींद आई हुई है, मैंने सोना है। तो अब्दुल्ला की जो थी ना, मेरे शहजादे अब्दुल्ला की, ये फर्स्ट 14 अगस्त थी। अब्दुल्ला की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो, लेकिन अब्दुल्ला ना एंजॉय किया, अब्दुल्ला ने मेरे ये जो ने एंजॉय किया।
है। तो अगले साल ऐसा है कि अब्दुल्ला थोड़ा बड़ा हो गया होगा और उसको भी समझ भी होगी कि किस तरह मनाई जाती है, बच्चे कितने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो बस यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आयत का ड्रेस आपको पसंद आया होगा और अब्दुल्ला का, तो जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट्स करके इस वीडियो के नीचे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंस्टा को लाजमी फॉलो कीजिएगा, ऊपर आपको आईडी नजर आ रहा होगा। और बहुत ज्यादा थक चुके हैं, सुबह के रेडी हुए हुए हैं। तो अब मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।